ये रिवॉल्वर कौन लेके आया? सर ये तो प्रोडक्शन वाले को मालूम होगा। तो प्रोडक्शन वाले को बुलाइए। जी मैं राम ठाकुर, मैं ही प्रोडक्शन संभालता हूँ। शूटिंग के लिए गोलियां और रिवॉल्वर कौन सप्लाई करता है? रुस्तम भाई। कहाँ है? सर वो तो सेट पर नहीं आते, उनका एक आदमी रहता है सेट पर। किधर है वो, बुला उसे। मैं इंस्पेक्टर साहब राजू। राजू? जी सर। राजू आपने इस रिवॉल्वर को लोड किया था? जी साहब ये मेरा ही काम है। और ये गोली भी आप ही ने डाली थी? नहीं साहब ये तो असली कारतूस है, हम लोग तो नकली कारतूस भरते हैं साहब। तो ये इसमें कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मैंने रिवॉल्वर में कारतूस भर के उस कलाकार को दे दी थी साहब, बस इतना ही जानता हूँ साहब मैं। किस कलाकार को? वो इंस्पेक्टर को। साहब मैं तो एक छोटा सा सीन करने आया था, इन्होंने मुझे रिवॉल्वर दी, मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ था, मैं ये रिवॉल्वर उधर टेबल पर रखकर ड्रेसमैन से बटन लगवाने गया। हो सकता है इस बीच किसी ने मुझे फंसाने के लिए रिवॉल्वर में गोली चेंज कर दी हो। सर दरअसल इस सीन में गोली टोनी सिंह पर चलने वाली थी, जिसने भी ये साजिश की है हो सकता है वो टोनी सिंह को मारना चाहता हो। अब मैं सीरियल और नहीं कर सकता। आप ये सीरियल करना नहीं चाहते अब? क्यों, पेमेंट नहीं मिल रही है क्या? देखिए मिस्टर रैना, मैं जानबूझकर अपनी जिंदगी मौत के हवाले नहीं कर सकता। अब तक दो बार मुझे जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। सबसे पहले वो जहर वाली चाय पिलाकर मुझे मारने की कोशिश की गई। ये तो अच्छा हुआ कि शेखर ने वो ऐन वक्त पे सीन चेंज कर दिया, वरना वो चाय तो मुझे ही पीनी थी। और आज जो गोली मालती को लगी वो गोली भी मुझे ही मारने के लिए चलाई गई थी इंस्पेक्टर। तो तुम बचे कैसे? जैसे ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा अचानक मेरा पांव फिसल गया, और जो गोली मुझे मारने के लिए चलाई गई थी वो मेरे करीब से होती हुई मेरे ठीक पीछे खड़ी मालती को जा लगी। अब आप ही बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी जिंदगी को दांव पर तो नहीं लगा सकता? इसीलिए मैं सीरियल छोड़ना चाहता हूं। लेखा काशी, मैंने कहा था ना इसका काम हो गया और ये सटक लिया। एक काम करते हैं, अपन भी यहाँ से सटक लेते हैं, वरना उस पुलिस वाले ने अगर हमको यहाँ छुप कर बात सुनते हुए देख लिया ना तो खाली पेली मुसीबत में आ जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? चलो थक गए यार, पता नहीं कब आएंगे, रात हो गई। मुझे तो लगता है कि सीरियल के हीरो हीरोइन को मारकर ये लोग पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, क्योंकि सीरियल अगर हिट हो गया तो चैनल भी हिट हो जाएगा। यानी कि इन मर्डर के पीछे चैनल के लोगों का भी हाथ हो सकता है? ऑफ कोर्स, मैं अभी चैनल से आ रहा हूँ, उधर कोई भी आदमी शेखर और मालती के मर्डर के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। और आपने इस बात से ये डिसीजन ले लिया है कि इन दोनों का मर्डर के पीछे इन चैनल वालों का हाथ है? इट्स नॉट फेयर। और वैसे भी क्राइम स्क्वाड के ऑफिसर मिस्टर अर्जुन राणा वो खुद भी अब तक इस बात पर डिसीजन नहीं ले पाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सीरियल को कोई बंद करने पर तुला है। जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है इस केस के बारे में, हीरो शेखर और हीरोइन मालती के बीच में कुछ नाजायज तालों का अहतमाम, कोई अफेयर चल रहा था। हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी सिर्फ इन दोनों को ही इस केस से हटाना चाहता है। कहिए मिस्टर अर्जुन, और क्या पूछना है आपको? मिस्टर राजवंश, वो आर्टिस्ट जिसने इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था, जिसकी गोली से मालती मरी, एक्चुअली में वो गोली टोनी सिंह के लिए चलाई गई थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उस आर्टिस्ट ने आपसे टोनी सिंह के रोल के लिए रिक्वेस्ट की? कभी उसने आके आपसे ये कहा कि मैं वो टोनी सिंह का रोल करना चाहता हूं? जी नहीं, वो मेरे पास कभी नहीं आया।
तो फिर इस बार उसे कास्ट किसने किया? सर मैंने कास्ट किया, क्योंकि रोल छोटा सा था और उस दिन वो सेट पे था, इसलिए मैंने उसे कास्ट कर लिया। इससे पहले मैं उसे कभी मिला नहीं था। सर मेरे हिसाब से कातिल जब तक पकड़ा नहीं जाता है, हमें शूटिंग को बीच में ही रोक देना चाहिए। रमेश, यू नो व्हाट आर यू सेइंग? इट्स नॉट पॉसिबल। इस चैनल पर हमारा ये एक ही डेली सोप है और शेखर की डेथ प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास एक भी एपिसोड का बैंक नहीं है। एंड ऑफिसर, चैनल वालों ने मुझे स्पेशली कहा है कि शूटिंग किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। और शूटिंग शुरू करने के बाद एक के बाद मर्डर शुरू हो गए, तब आप क्या करेंगे सर? रमेश, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के होते हुए फिर से वो सब दोबारा होगा। सर आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कातिल क्राइम स्क्वाड के नाम से डरता हो। सर अगर ऐसा होता तो उस दिन भी मालती का मर्डर हरगिज नहीं होता, क्योंकि उस दिन भी क्राइम स्क्वाड वहां पे मौजूद थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल के दिल में क्राइम स्क्वाड का कितना खौफ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर रमेश, क्राइम स्क्वाड का काम लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना नहीं बल्कि कातिल को पकड़ना होता है, और वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा, माइंड यू। अब आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो मिस्टर राजवंश, हाय फ्रॉम इंडिया न्यूज टीवी। आप बताएंगे शेखर और माधी के कत्ल के बारे में क्राइम स्क्वाड की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? बेहतर होगा ये सवाल आप क्राइम स्क्वाड वाला से ही पूछिए। माधी ने सुना है कि आपका शेखर के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और इसीलिए मैंने ही शेखर का खून करवा दिया, यही कहना चाहते हैं आप? आप लोगों को दिन का दाड़ बनाने के सिवा कुछ और भी आता है? डायरेक्टर साहब, आप बताएंगे कातिल के बारे में कुछ? सर यही क्या, अगर शूटिंग फिर से शुरू हुई तो और एक मर्डर होगा, पर तब तक शायद कातिल का पता भी चल जाएगा। और पूछना चाहते हैं, लिसन सर, मालती पर गोली इसी गन से चलाई, इट्स अ रियल वन। इसका इस्तेमाल जनरली फिल्म या सीरियल की शूटिंग के लिए किया जाता है, पर इसमें बुलेट्स नकली होते हैं। उस दिन किसी ने असली बुलेट डाल दिया एंड शी डाइड। शी वाज द सेकंड विक्टिम। पहला मर्डर हुआ था चाय में पॉइजन मिलाने की वजह से, यानी कि कातिल जरूर कोई ऐसा इंसान है जिसे यूनिट के हर मूव का पता है। Who knows everything? Who knows even the script? लेकिन प्रोडक्शन वालों से लेकर डायरेक्शन वालों तक सभी को पता होता है कि नेक्स्ट क्या शूट होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर का आदमी किसी यूनिट के आदमी के साथ मिलकर ये सब कर रहा? मगर बाहर से वो आदमी कौन हो सकता है जो सेट पर किसी को टारगेट बना रहा है? बाहर का एक ही सस्पेक्ट हो सकता है, रोहिणी। I would like to interrogate her. देखो रोहिणी, हमें तुम्हारे और शेखर के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि उसने तुम्हें डिच किया। काफी सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शेखर और मालती को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव तुम्हारे पास था। तुमने उन दोनों को धमकी भी दी थी, am I right? हाँ, मैंने शेखर को धमकी दी थी क्योंकि शेखर ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। He spoiled my life and my career. And Malti को मैंने ये हिदायत दी थी कि मेरे और शेखर के बीच में वो ना ही पड़े तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये लेटर भी आपने भेजा था मालती को? नहीं, मैंने मालती को कभी भी कोई भी लेटर नहीं भेजा। लेकिन मिस रोहिणी, ये फोटोग्राफ्स आपने प्रोड्यूसर राजवंश को क्यों दिए थे? क्यों और किस लिए आपने छुप कर ये फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे? किस आदमी को आपने हायर किया था इस काम के लिए? मैंने कभी भी किसी फोटोग्राफर को हायर नहीं किया कोई भी फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए। तो फिर ये फोटोग्राफ्स आपके पास कहां से आए? मुझे नहीं मालूम, मुझे भी किसी ने भेजे थे। किसने? मुझे नहीं पता, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताती। क्या आपके पास वो लिफाफा है जिसमें ये फोटोग्राफ्स आए थे? Well, isn't it funny? मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कुरियर का कोई भी लिफाफा प्रिजर्व करके रखते होंगे। शांत हो जाइए, ज्यादा गुस्सा होना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एनीवे, आपको अपनी आखिरी मुलाकात शेखर के साथ तो याद होगी, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? ज्यादा नाटक मत करो मेरे साथ शेखर, तुम्हें सब मालूम है मैं तुम्हें क्या बताने जा रही हूँ। मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है मुझे सब मालूम है। एक बात सुन लो तुम और उसे भी समझा देना,
कि अगर मैं तुम्हारे लिए अपना करियर, अपना घर बार सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रही हूँ, क्योंकि तुम प्यार से बात नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हें धमकी देना बहुत जरूरी है। ये मत भूलो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक बात तुम समझ लो, कान खोल कर बात सुनो, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना तो किसी और के नहीं हो सकते। उसके बाद मैं अपने प्रोड्यूसर से मिलने चले गए। यकीन करिए, मेरा मालती और शेखर के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मैं कैसे उस इंसान को मार सकती थी जिससे मैं शादी करने वाली थी, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। मैंने शेखर को नहीं मारा, मैं तो खुद बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई मैं। थैंक यू मिस रोहिणी, यू कैन गो नाउ। थैंक्स। जस्ट अ सेक, बट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ टाउन टिल द टाइम दिस केस इज सॉल्व्ड। ओके इंस्पेक्टर सर। प्लीज सर, मुझे लगता है कि रोहिणी नाटक कर रही थी, क्योंकि इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव तो उसी का था। वो शेखर के बच्चे की मां बनने वाली है, और वो ये भी जानती है कि शेखर वापस आने वाला नहीं और बदलने वाला भी नहीं। सो शी डिसाइडेड टू एलिमिनेट बोथ ऑफ देम। सर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शी इज बिहाइंड ऑल दिस। लेकिन ये फोटोग्राफ्स जो रोहिणी के पास आए, इन्हें बेचने वाला कौन हो सकता है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग मोटिव्स होने के बावजूद रोहिणी कातिल है, क्योंकि अगर उसने फोटो खींचे थे या किसी और से खिंचवाए थे तो राजवंश को भेजने के बजाय वो उन दोनों को उस हालत में देखकर वहीं मार देती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहिणी की आज जो भी हालत है वो शेखर और मालती की वजह से। नो 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 विजय, देयर इज मोर टू दिस। ये सिर्फ दो औरतों के बीच फंसे हुए एक मर्द की कहानी नहीं है, देयर इज मोर टू दिस। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो चाय शेखर पी गया वो इनफैक्ट टोनी सिंह के लिए थी। टोनी सिंह बच गया, शेखर मर गया, इसीलिए कातिल को एक और बार करना पड़ा। और इस बार गोली मालती पर चली, फिर टोनी सिंह बच गया। इसका मतलब है एक और बार भी हो सकता। प्रिसाइसली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। विजय, तुम्हें टोनी सिंह पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर हमें कातिल तक पहुंचना है तो हमें यूनिट के हर आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। प्रवीण जी, सीरियल के स्टोरी के हिसाब से हमारे दोनों हीरो शेखर और टोनी सिंह की मौत हो गई है। अब हमें एक नया हीरो ही नहीं ढूंढना, बल्कि कहानी में भी कुछ ऐसा ट्विस्ट लाना है जिससे ऑडियंस चक्कर में पड़ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। क्यों राजवंश जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही सोचकर परेशान हूं कि एक के बाद एक हीरो शेखर और हीरोइन मालती का मर्डर होने से आज मार्केट में मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम खराब हो रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं सर? वैसे शेखर और मालती के मर्डर के वजह से आज हमें उल्टा फायदा हो रहा है। हमारे सीरियल की चर्चा हर एक टीवी चैनल पर, हर एक घर घर में हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें आज इतनी अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों रमेश भाई? ऑफ कोर्स राजवंश जी, आपको तो खुश होना चाहिए, इस वक्त हमारा सीरियल सबसे हॉट है। खाक हॉट है। मुझे अपने ही सेट पर आते हुए डर लगता है। मन में हमेशा यही चलता रहता है कि कहीं आज फिर से किसी का मर्डर ना हो जाए, कहीं अगला शिकार हम में से ही कोई ना हो। आप सही कह रहे हैं, एक डर सा माहौल तो पैदा ही हो गया है। सेट पर हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। पर सर, आपको किस पर शक है? रोहिणी के अलावा और कौन हो सकता है? सर, आप भी तो हो सकते हैं। मैं? अरे प्रवीण जी, क्या उल्टी सीधी बात करते हो यार। स्टोरी की आगे की लाइन सोचो, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? आप कहानी के बारे में टेंशन मत लीजिए सर, ये तो हमारे रोज का काम है। वैसे भी आजकल जब आर्टिस्ट लोग ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो कहानी और या स्टोरी को चेंज करना तो हम राइटर लोगों के लिए रोज की बात हो गई है। और वैसे भी यहाँ पे तो रियली में दो दो मर्डर हो चुके हैं।
तुम